नमस्कार दोस्तों, इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हो अपने रिश्तेदार की या फिर अपने फ्रेंड की या फिर आप अपने पड़ोसियों की, तो पुलिस आपके घर कभी भी आ सकती है। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पर्सनल आईडी से रेलवे की नॉर्मल टिकट या फिर तत्काल टिकट बुक करके और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, जो कि गलत है। यह अपराध कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास पर्सनल आईडी और आप उस आईडी से अपनी खुद की टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपने फैमिली मेम्बर की भी कर देते हो तो यहाँ तक तो बात सही है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप उस आईडी से अपने फ्रेंड की या फिर आप अपने रिश्तेदारों की या फिर आप जो मोहल्ला पड़ोस में लोग रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि बेटा मेरी टिकट बुक कर दे, वो लोग किसी ऑथराइज एजेंट के पास नहीं जाते क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, जिस वजह से आपको ही बोल देते हैं कि बेटा मेरी ऑनलाइन टिकट बुक कर दे और आप उसको बुक कर देते हो। तो अगर आप कभी कभार बुक करते हो तो यहाँ पर रेलवे को कोई भी दिक्कत नहीं है और आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हो तो रेलवे को ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बुक कर करके और आप सेल कर रहे हो। भले आप सेल नहीं कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा पैसा वो जो पड़ोसी है उससे नहीं ले रहे हो, लेकिन रेलवे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा मात्रा में आप टिकट बुक कर रहे हो, जिस वजह से आप हो सकता है कि सेल भी कर रहे हो, जिस वजह से आपके घर में पुलिस भी आ सकती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल यूजर आईडी से बुक किया गया टिकट बेचना या फिर खरीदना यह अपराध है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी पहचान यही कि आप ऊपर की तरफ देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप पर्सनल यूजर, इस प्रकार से कॉमा करके पर्सनल यूजर लिखा होगा। और नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दिस टिकट इज बुक्ड ऑन ए पर्सनल यूजर आईडी, इट्स सेल परचेस इज ए ऑफेंस अस 143 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। मतलब यह टिकट एक व्यक्तिगत यूजर आईडी से बुक किया गया है, इसकी खरीद या फिर बिक्री करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहा पर्सनल आईडी वाला टिकट। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रेलवे के ऑथराइज पर्सन से टिकट बुक कराते हो, जैसे कि कोई सीएससी सेंटर वाला हो गया या फिर अदर सेंटर वाला, तो आप टिकट में देखो कि नीचे तरफ के उसका पूरा नाम नंबर ईमेल आईडी एंड उसका एड्रेस लिखा हुआ रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रेलवे का ऑथराइज पर्सन है या फिर रेलवे का एजेंट है, तो इस टिकट से ना तो आपको कोई दिक्कत है और ना तो जो बुक कर रहा है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाहे हम पर्सनल आईडी से टिकट बुक करें या फिर कोई एजेंट टिकट बुक करे, दोनों पैसा तो जा रहा है रेलवे को, तो इससे रेलवे को क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हो तो ये जो आईडी है आपको फ्री में मिल जाती है, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ये जो आईडी है फ्री में बन जाती है, कोई भी बना सकता है। और आप इसी आईडी से 500 रुपये की टिकट आप 700 में या फिर 800 में या फिर 1000 रुपये में आप बेचते हो, तो ऐसे में पूरा फायदा आपका है, रेलवे का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। जबकि जो एजेंट लोग होते हैं रेलवे की आईडी लेने में, इनको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो सीएससी के थ्रू लें या फिर पेनियर वाई के थ्रू लें। बहुत सारी कंपनी आ चुकी है आजकल तो मार्केट में जो कि रेलवे के आईडी प्रोवाइड करती है, लेकिन उससे पहले इनको पैसा देना पड़ता है। हालांकि आपको एक बार आईडी लेने के बाद आप टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो और आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। जैसे कि अगर आप एसी की टिकट बुक करते हो तो आपको 40 रुपये पर पीएनआर नंबर में आपको कमीशन मिलता है, और इसके बाद से विदाउट एसी में आपको 20 रुपये कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से इन लोगों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और इनको कोई लिमिटेशन भी नहीं है। जबकि जो पर्सनल आईडी होती है उस पर लिमिटेशन होती है कि एक महीने में अगर उनका आधार कार्ड लिंक है तो आजकल तो 24 टिकट बुक कर सकते हो, इससे पहले क्या था कि 12 था। तो इस प्रकार रेलवे एजेंटों को टिकट बुकिंग की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। हाँ, एक लिमिटेशन होती है तत्काल का टाइमिंग के, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसी का जो तत्काल का टाइमिंग होता है वो 10 बजे कोटा ओपन हो जाता है और विदाउट एसी 11 बजे ओपन हो जाता है, मतलब सबके लिए, रेलवे काउंटर वालों के लिए और जिनके पास पर्सनल आईडी है उनके लिए भी सेम टाइमिंग होती है। लेकिन जो एजेंट लोग होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम बाद में मिलता है, बाद में मिला तो क्या फ़ायदा? आप लोगों को तो पहले से पता है कि तत्काल का काम कैसे होता है, 3 से 5 मिनट होता है
कोटा ओपन हुए उतने में सारा कोटा फुल हो जाता है, मतलब सीट फुल हो जाती है, तो इनको बाद में मिलता है तो क्या फ़ायदा। इसलिए ये लोग ज़्यादातर जो नॉर्मल टिकट होती हैं उसी से अपना काम चलाते हैं। और कोई कोई कस्टमर ऐसे ही आते हैं कि हमको तत्काल का टिकट बुक कर दीजिए, हम ज़्यादा पैसा देने वाले हैं। तो पैसे के लालच में ये लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सनल आईडी को लगा के और उसके थ्रू सेम टाइमिंग पर टिकट बुक कर देते हैं। और इस वजह से क्या होते हैं कि आज पकड़ा नहीं गया क्योंकि आज पुलिस नहीं आई, और इस वजह से ये लोग ये काम और भी तेज़ी से करते रहते हैं, और कभी ना कभी तो हाथे चढ़ने वाले होते हैं। तो फाइनली एक दिन ये लोग हाथे चढ़ जाते हैं पुलिस के, इसको बाद में पता चलता है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करनी है, अपनी जो पर्सनल आईडी है उसको कॉमर्शियल यूज नहीं करना है। अगर आपने रेलवे की आईडी लेकर रखी है तो आप उसी को यूज में लेना है।